पूर्णिया में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति बैल और उसके मालिक पर केस दर्ज कराने थाने पहुंचा। दरअसल श्रीनगर थाना के सहबज्जा गांव में एक बैल के आतंक से पूरा गांव भयभीत है। कुछ दिन पहले बैल ने गांव के ही एक युवक धीरज यादव को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे परेशान होकर युवक ने आवेदन देकर खूंखार बैल के मालिक भरतलाल यादव समेत उनके 5 बेटों पर केस दर्ज करवाया है। हम सुबह 6 बजे लगभग खेत के तरफ जा रहे थे, अचानक बैल जो है कि दौड़ गया मेरे ऊपर। दौड़ने के बाद जो है कि फुट में घर खेत था, इसलिए कोई नहीं आ पाया, इसलिए अचानक हमको उठा पटक के पूरा घायल कर दिया है। उसके बाद जो है कि हम जब उसको बोले तो उल्टा ही जो है गाली गंदी गंदी बात करने लगा वो हमसे, बैल मालिक। उसके बाद हम लोग थाना गए, थाना में आवेदन दे के उसके बाद सीनियर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में रेफर कर दिया सदर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाद जो है कि वहाँ मेरा इलाज हुआ। उसके बाद हम घर आए, घर आने के बाद वो सब जो है गाली गलौज देना शुरू कर दिया घर पे भी। थाना में आवेदन हम यही दिए कि बैल प्लस बैल मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाए। बता दें कि 2006 में भी ऐसा ही एक रोचक मामला पूर्णिया के सिविल कोर्ट में पहुंचा था, जब पुलिस एक कुत्ते को पकड़कर कोर्ट में हाजिर हुई थी। ये मामला उस समय काफी चर्चित हुआ था। बहरहाल देखना होगा इस मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।